कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम गतिविधियों पर लगाया गया 55 घंटे का प्रतिबंध सोमवार की सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। दुकानों व बाजार पूर्व की तरह खुल गए। वहीं राजघाट क्षेत्र में लगी पाबंदी भी हटा दी गई। साथ ही लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। वहीं सोमवार को शहर के कैंट, शाहपुर और गोरखनाथ के साथ साथ गुलरिया कस्बों में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। लॉकडाउन में बंदी का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। चौराहों के अलावा गलियों में भी पुलिस गश्त करती दिखी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बिना काम के घर से निकले लोगों को पुलिस ने चेतावनी देते हुए घर वापस भेज दिया। आपको बता दें, महानगर के कैंट, शाहपुर, गोरखनाथ और गुलरिया थाना को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के सभी बाजार खुल गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, लॉकडाउन में लोगों का सोमवार होने के कारण और आंशिक लॉकडाउन, कुछ थानों में लॉकडाउन होने के कारण आवागमन थोड़ा ज़्यादा है। उसे नियंत्रित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार भ्रमण किया जा रहा है। कप्तान साहब द्वारा निर्देशानुसार सभी सीनियर अधिकारी और थानेदार, चौकी इंचार्ज सभी भ्रमणशील हैं, तो अधिक से अधिक अनुपालन कराने का प्रयास करवाया जा रहा है। नहीं, जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी है वहाँ वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उनको लगातार जागरूक किया जा रहा है। जो दुकानें इस दौरान खुली पाई जा रही हैं, जहाँ भीड़ के भाग जाते हैं वहाँ पे चेकिंग कर रही है। दुकानें ऑलमोस्ट बंद हैं, इक्का दुक्का भी अभी तक एक्सेप्शन मिला नहीं हमें। दुकानें, मास्क, इन सब में लोग पूरी तरह से जागरूक मिल रहे हैं। दिक्कत आ रही है ट्रैफिक में, क्योंकि लोगों का आवागमन लॉकडाउन वाली मेन सड़क से भी है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है।